और आपने एक मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं बताऊं क्या सर? कि मैंने सर बहुत इंटरव्यूज दिए हैं और इंटरव्यूज में आजकल मुझे बहुत पूछा जाता है कि कभी किसी इंडियन क्रिकेटर पे बायोपिक बने तो आप किसका रोल निभाना चाहेंगे। मुझे आज मेरा जवाब मिला है। वाह वाह, कि हाथों की लकी रुपए मत जाए गालिब, हाथों की लकी रुपए मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। मेरे दिल में यही है कि मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में कोशिश की है कि जो बच्चे घरों में थे उनके साथ में काम करूं, उनको मैं पढ़ाऊं, उनका एक आइडेंटिटी बनाऊं। तो तारिक बशीर मेरा नाम है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एक स्मॉल हैमलेट अंदूरा से बिलोंग करता हूं, कम्स इन तहसील शांगस। तो मैं अपने पेरेंट्स का सबसे छोटा सिबलिंग हूँ। बेसिकली वी आर ट्विंस, हम दो भाई इकट्ठे पैदा हुए हैं, सबसे छोटे सिबलिंग्स हैं। एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तरोसू। गुरेज कश्मक जिंदगी से मर्दों की अगर नहीं है शिकस्त तो और क्या है शिकस्त। अपनी जिस्मानी कमजोरी के बावजूद मुश्किलात और परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए अपने मंजिल पे रवा दवा होने वाले और अपने लिए ही नहीं बल्कि मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ करने वालों को जमाना याद रखता है। जी हाँ, कल हमने देखा कि 3 नवंबर की तारीख को आलमी सतह पे वर्ल्ड डिसेबल्ड पर्सन्स डे मनाया गया या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स का डे मनाया गया। और आज हमारे कश्मीर में जब हम नज़र डालते हैं तो कुछ ऐसी स्टोरीज हमारे आंखों के सामने हैं जिन्होंने जिस्मानी कमजोरी के बावजूद पूरी दुनिया में नाम कमाया। वो फिर पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन हो, जिसके वीडियोस आप आजकल हर टीवी चैनल पे देखते हैं और जिसके मुतालिक बॉलीवुड स्टार्स ने भी ये कहा कि अगर हमें आमिर की ज़िंदगी पे बनाई जाने वाली फिल्म में एक्टिंग का मौका मिलता है तो वो उनके लिए खुशनसीबी होगी। या फिर हो जावेद अहमद टाक, जिन्होंने जिस्मानी कमजोरी के बावजूद पद्मश्री अवार्ड हासिल किया। या फिर हो फिर अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर तारिक बशीर, जो बीनाई से महरूम होने के बावजूद भी आम लोगों के साथ इम्तिहान में हिस्सा लेते हैं और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे फाइज होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस्मानी तौर नाखेज अफराद को समाज का हिस्सा समझें और उनको भी उनके टैलेंट को आगे ले जाने या हुनर दिखाने का मौका दें, उनकी बेहतर तालीम पे हम जोर दें। एक चाइनीज फिलासफर ने कहा कि अगर आप किसी शख्स की हालत बदलना चाहते हो तो उसको मछली न दो बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाओ। अगर आप हकीकत में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद की हालत को बेहतर बनाने के लिए संजीदा है तो फिर हमें उनकी तालीम पे जोर देना है, उनको स्किलफुल बनाना है। यही है पैगाम जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए मनाए जाने वाले दिन का।